हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि खरीदने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग। इसमें हेयर केयर भी है, इसमें स्किन केयर भी है, इसमें मेकअप के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप कुछ आगे चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं आज बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मुझे पसंद नहीं है एंड क्यों नहीं पसंद है, मैं उसका भी रीजन देने वाली हूँ। एक बार ट्राई नहीं किया, दो बार ट्राई करके आपको बता नहीं रही कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे एकदम पसंद नहीं है। मैंने एक्चुअली बहुत बार उस चीज़ों को ट्राई किया है एंड तब जाके मैं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है। एंड देन क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उस पर अपने खून पसीने की कमाई उसमें वेस्ट की है, तो आई वॉन्ट कि हाँ यार कुछ तो प्रोडक्ट चले। देखो बोलते हैं ना, पैसा वसूल मैं उतना यूज़ तो कर लूँ कि हाँ मेरा पैसा वसूल हो जाए, मुझे ऐसा फील हो, बट ये प्रोडक्ट्स मैं जितना भी ट्राई कर लूँ ना कुछ गड़बड़ी होता ही है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। प्रोडक्ट्स के साथ बताने वाली हूँ रीज़न कि मुझे ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं पसंद है, तो वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल भी हो जाए कि हाँ ये चीज़ क्यों मुझे पसंद नहीं है। तो हो सकता है आपको भी शायद सूट ना करे वो चीज़, या फिर आपको वो चीज़ पसंद ना हो, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ताकि आप अपने पैसे उस चीज़ पर खर्च ना करो। ऑल्सो मैं आप एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि प्रोडक्ट सूट नहीं किया, हो सकता है आपके फेवरेट हो या फिर आपको सूट करते हो, तो दैट डजेंट मीन कि आप गलत हो या मैं गलत हूँ। हम सबकी स्किन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, हो सकता है मुझे कुछ प्रोडक्ट सूट करे वो आपको ना सूट करे, आपको जो कुछ सूट करे वो मुझे सूट ना करे। तो दैट वॉज अ डिस्क्लेमर एंड या सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल के नेम के बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे हिट कर दीजिएगा, उसके बगल में एक छोटे से बेल नोटिफिकेशन आएगा ना उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मैं आगे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मैं अभी कुछ अपडेट्स भी देने वाली हूँ। एंड क्योंकि क्या होता है मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते, तो इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं अपडेट देती हूँ जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। सो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल मैं यही कहीं डाल दूँगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट ऑल्सो। सो इंट्रो को बिना लंबा कहते हुए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ हेयर केयर प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही हेयर केयर प्रोडक्ट है जो कि मुझे पसंद नहीं आया था। बीच में कि थोड़ा चेंज ऑफ शैम्पू करती हूँ क्योंकि मुझे वो स्मेल वाला होता है ना, जैसे बाल खोले से मस्त फ्लोरल से स्मेल आ रहा है, वैसा वाला शैम्पू चाहिए था। तो मैंने ये शैम्पू खरीदा एंड आई हेटेड इट। एंड ये शैम्पू है, आई डोंट नो कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे थे इसको खरीदने से पहले। ये शैम्पू है ट्रेसेमे का केरेटिन स्मूथ विथ आर्गन एंड केरेटिन एंड आर्गन ऑयल फॉर्मूला। तो ये वो शैम्पू है, इसमें सल्फेट है, ये सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपके हेयर केयर में क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तब मुझे पता नहीं था कि सल्फेट हमारे बालों में नहीं होना, हमारे हेयर केयर में नहीं होना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस शैम्पू में क्या प्रॉब्लम है, इस शैम्पू की स्मेल काफ़ी अच्छी है, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा स्मेल अच्छी है इसकी। बट शैम्पू यूज़ करने के बाद से मेरे बाल इतने ज़्यादा, मतलब जितना मेरा अभी हेयर फॉल होता है ना उससे डबल या ट्रिपल मेरे हेयर फॉल होते हैं। ऐसे मैं करूँ तो दो चार बाल निकल जाए, फिर ऐसे करूँ तो दो चार बाल निकल जाए। मैं मेकअप ब्रशेज धोने के लिए यूज़ कर रही हूँ, दैट वॉज द वन एंड ओनली हेयर प्रोडक्ट जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो ये है इनशाइन का ओरिजिनल हाई डेफिनेशन बेक ब्लश, गया था तो मुझे फिक्स करना पड़ा। बट ये मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा चंकी है, मतलब हाईलाइटर कैसे होते हैं एफर्टलेस होता है, मतलब इसके ग्लिटर्स इतने बड़े बड़े हैं ना कि आपके फेस पे वो दिखे कि आपने ग्लिटर लगाया है, ऐसा लगेगा नहीं आप हाईलाइटर लगाया है। लाइक यू कैन सी, पता नहीं कैमरा पिक कर रहा है कि नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े, वो हाईलाइटर वाली फील नहीं आती ना, जो हाईलाइटर आपको होता है ना ग्लो फ्रॉम विद इन या ग्लोई हेल्दी स्किन दिखाना चाहिए, वैसा वाला फील नहीं आता, बहुत ज़्यादा चंकी है। तो ये मैंने तब लिया था जब मैंने मेकअप शुरू किया था। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है पतंजलि का एलोवेरा जेल, लाइक यू कैन सी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, वाई दिस ग्रीन कलर, आपको पता नहीं एक पर्टिकुलर कलर को बनाने के लिए उसमें कितना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किया। एलोवेरा जेल, अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट है, किसी घर में आप एलोवेरा प्लांट देखो ना तो थोड़ा सा काट के उसको देखना, उसका जेल जो होता है वो क्लियर होता है एलोवेरा जेल। ग्रीन कलर पता नहीं क्यों अभी भी लोग डालते हैं एलोवेरा जेल में, मुझे समझ में आता है। मेरे पास एक गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है जिसमें ग्रीन कलर नहीं डाला हुआ है, वो क्लियर जेल है एंड लिटरली वो एलोवेरा से स्मेल भी करता है। आई डोंट लाइक एलोवेरा का स्मेल बट वो स्मेल भी वैसे करता है। फिलहाल मैंने इसलिए इतना कम बचाया क्योंकि मैं इसे जो मेरे फ्लाइज उड़ते हैं छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो है हमारे उसको चिपकाने के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब जब मैं बाल झाड़ लेती हूँ तो हाथ में थोड़ा सा लेके उसको स्टिक ऑन करती हूँ, तो इसको भी मैं इसी तरह से यूज़ करने वाली हूँ। एंड वो जो भी मैंने हाईलाइटर दिखाया था उसे भी मैं इन जनरल अपने आईज़ के ऊपर या फिर इस तरह से कुछ
क्रिएटिव इंस्टाग्राम मेकअप करने के लिए यूज़ करके ख़त्म करूँगी या तो मोस्ट प्रॉब्ली किसी को दे दूँगी। इन वेदा का क्लेंजिंग मिल्क जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला था एंड मैंने ही खरीदा था ऑब्वियसली, तो मैं पैसे लगे थे इसमें। इसका स्मेल ऑसम, मतलब ये चॉकलेट की तरह स्मेल करता है, एक्चुअली वनीला की तरह स्मेल करता है। इसमें लिखा भी है ताहितियन वनीला क्लेंजिंग मिल्क, तो ये वनीला की तरह स्मेल करता है, अभी भी इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। बट द थिंग इज़ ये क्लेंजिंग मिल्क है, इसको एटलीस्ट एक नॉर्मल लिपस्टिक तो हटा सकता है ना, ये वो भी नहीं हटाता है। ये नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक जो कि नॉन मैट फॉर्मूला होता है, क्रीमी फॉर्मूला होता है, वो भी नहीं हटा पाता ये, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। पता नहीं मुझे क्लेंजिंग मिल्क क्यों है ये, तो ऐसे भी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्लेंजिंग मिल्क। आई डोंट नो मैंने इस पर दोबारा पैसे क्यों खर्च किए। नेक्स्ट इज नोज स्ट्रिप्स, एज यू कैन सी नोज स्ट्रिप्स ये एक्चुअली मैंने नायका से खरीदा था। नायका में बेसिकली रिव्यूज़ मिक्स रिव्यूज़ थे, बट अच्छे रिव्यूज़ ज़्यादा थे कि हाँ ऐसे यूज़ कर सकते। ये एक्चुअली 10 आया था एंड यू कैन सी मेरे पास अभी सिर्फ 4 बचे हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है मैंने 6 यूज़ किया। मैंने सिर्फ खुद के पे नहीं ट्राई किया, मैंने अपनी मम्मी पर ट्राई किया, मैंने अपने भाई पर ट्राई किया। दिस थिंग डजेंट वर्क, एटलीस्ट मेरे नोज़ के पोर्स थोड़े छोटे होते तो मुझे समझ में आता है। मेरे भाई जो है, मेरे भाई और मेरी मम्मी जो है, वो दोनों ऑयली स्किन है एंड ऑयली स्किन के नोज़ के पोर्स भी थोड़े मोटे हैं, तो आराम से इनका ब्लैक हेड्स निकल सकता है। बट ये चिपकता ही नहीं है, अगर मैं इसे गीला करके भी लगाऊँ अपने नाक पे या फिर ऊपर से ही पानी डालूँ ताकि ये चिपक जाए, ये नहीं चिपकता है। वेस्टेड 6 एंड ये मैंने नायका से समथिंग 200 का लिया था, तो या ये चीज़ें नहीं काम करती है। सो डोंट वेस्ट दिस थिंग, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज थिंग्स। अगर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी या तो आप केमिकल एक्सफोलिएटर्स ले लो, या तो फिजिकल एक्सफोलिएटर्स यानी कि स्क्रब पार्टिकल्स ले लो, या तो फिर अगर आपको भी नहीं चाहिए वो पील ऑफ मास्क होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, आप वो पील ऑफ मास्क लेके उसे यूज़ कर सकते। बेसिकली फाउंडेशन है ये ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन, ये 100 रुपीज़ का है। पहला बात तो इसमें शेड्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है, 5 या 6 शेड्स हैं एंड ये शेड्स मुझे बहुत ज़्यादा येलो होता है। ये शेड नंबर 2 है नेचुरल ग्लो, ये बहुत येलो है एंड मेरी स्किन से आई थिंक एक शेड डार्क है, एंड मैंने क्यों खरीदा था, तो ये वापस वही जब मैं नया यूट्यूब नया मेकअप शुरू करी तब मैंने खरीदा। यूट्यूब पे मैंने देखा कितने, मतलब आई थिंक नहीं भी तो 10-15 रिव्यूज़ देखे हैं, सब ने बहुत तारीफ़ की इस फाउंडेशन की, फुल कवरेज है, दिस है दैट है। बट इस फाउंडेशन का प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा पैची है। आई डोंट नो लोग कैसे करें, लाइक मेरे नोज़ पे मुझे ड्राई पैचेस होते हैं बट विंटर्स में होते हैं। मैंने समर्स में भी ट्राई किया, मैंने ब्रश इसे ब्लेंड करने की कोशिश की, इसमें ब्रश स्ट्रोक्स पड़ते हैं, मतलब आप ब्लेंड करो तो आपको लाइंस ऐसे दिखेंगे। देन मैंने स्पंज से ब्लेंड करने की कोशिश की, मेरा पैक का स्पंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हर चीज़ को ब्लेंड कर देता है, ये ब्लेंड होने का नाम ही नहीं लेता, बहुत ज़्यादा पैची, मतलब हर जगह आपको पैचेस मिलेंगे थोड़े थोड़े। ब्रश से करो तो आपको ब्रश स्ट्रोक्स मिलेंगे एंड उसमें भी पैचनेस आपको मिलेगी, तो पता नहीं कैसे लोगों ने इसके बारे में बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है या कुछ भी। दिस इज़ टोटल शिट, डोंट बाय दिस। अगर आपकी 100 रुपये की उन्हें खर्च हो रहे हो, प्लीज डोंट बाय दिस। जेल लाइनर, म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर, ये जेल लाइनर का भी मैंने वही सेम चीज़ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू सुने थे कि ये स्मज फ्री है, मतलब एकदम स्मज नहीं होता है, फैलता नहीं है। अगर आपकी आईलिड्स ऑयली भी है कुछ भी है, मतलब पूरे दिन स्टे करता है, एटलीस्ट 12 to 16 hours आपको ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बट मेरे केस में मैं मानती हूँ मेरे आईलिड्स थोड़ी ऑयली है, बट स्टिल ये 1 घंटा भी नहीं टिका एंड देन मैं पूरा आँख ऐसा काला हो गया था, पता नहीं क्या हो गया मेरे आँखों को। लेकिन मैंने आई लाइनर लगाया, मैं जनरली लिक्विड लाइनर पर्सन हूँ, मुझे स्केच लाइनर से भी नहीं बनता है, इसलिए मैंने सोचा एक बार जेल लाइनर ट्राई करते हैं एंड इसे मेबिलिन से कंपेयर किया था। मेबिलिन का जो जेल लाइनर आता है उससे कंपेयर किया था कि हाँ ये उस बराबर के अच्छा है। दोनों अगर मैंने अपने आईलेट्स को पाउडर करके एंड देन लगाया एंड देन फिर जेल लाइनर को पाउडर किया, उसके बाद भी लाइक आई थिंक 4 to 5 hours के बाद ये वापस मज होने लगा था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये भी मैंने मुझे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला था एंड आप ये कुछ वीडियोज में देखे होंगे। ये है बेला वोस्ते का अल्टी मैट लिक्विड लिपस्टिक। तो मुझे पसंद क्यों नहीं, फिर मैं यूट्यूब वीडियो में क्यों दिखाती हूँ, तो पहला बात तो ये सुपर ड्राइंग है, मतलब इतना ड्राइंग। अगर आपने शुगर का स्मज भी नॉट ट्राई किया होगा ना तो ये उसी बराबर है। अगर आप पहले लिप बाम भी लगा लेते हो ना तो भी फिर भी ये आपके लिप्स को ड्राई करेगा एंड ये इतना ज़्यादा थिक है ना, लाइक लेट मी शो यू। एक तो सूखने में टाइम लगता है, जब सूख जाता है यू कैन सी कितना थिक है, मैं स्वॉच करके दिखाती हूँ आपको। मतलब मैं अभी हाथ भी लगाई हूँ तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है कि यार कितना थिक है, मुझे लग रहा है कुछ। हाँ अगर आप इसको लगाओ ना लिपस्टिक से क्या होता है ना, आप लगाते हो तो ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ बहुत फ्लॉलेस है, आपके लिप्स में कुछ है नहीं, आपने कुछ पहना नहीं,
बट इस लिक्विड लिपस्टिक लगाने के बाद आपको लगेगा कि आपने अपने लिप्स के ऊपर 2 किलो वजन डाल दिया है, ये इतना ज़्यादा थिक है एंड उसके बाद सुपर ड्राइंग है। ये भी मुझे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला था, नहीं तो मैं कभी खरीदती भी नहीं इसको। NYB का लिक्विड कंसीलर एंड आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारे अगर अपने वीडियोस देखे हुए तो ये एक्चुअली मुझे सिर्फ इसका शेड से प्रॉब्लम है, टोन के लिए थोड़ा डार्क शेड है। इसे फिर बाद में मैंने ऑर्डर किया था दोबारा एंड देन लाइट शेड मंगाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि मैं जनरली यूज़ करती हूँ। ये नहीं किया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसके लिए मुझे थोड़े मिक्स रिव्यूज़ है, मतलब ये प्रोडक्ट है मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। प्रोडक्ट से मुझे यही प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्यों ये कभी ठीक काम करता है, कभी पता नहीं बहुत ज़्यादा पैची होता है। अगर आप लगाते हो तो कहेगा ये बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे पता नहीं बहुत फ्लॉलेस आपको फिनिश देता है एंड देन अचानक से ये काम करना बंद कर देगा, लाइक पता नहीं क्या हो जाता है इसको। मैंने इससे अलग अलग बेस, अलग अलग ब्रशेस, कभी स्पंज सबके साथ ट्राई किया, बट कभी कभी काम करता है सेम चीज़ पे, कभी उसी चीज़ पे वो काम करना बंद करता है, तो इसलिए मुझे मिक्स फीलिंग्स है। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं इसको यूज़ कर ही लूँगी, ज़्यादा बचा है नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास सिर्फ एक आई शेडो पैलेट है विच आई हेट द मोस्ट। एक्चुअली मेरा फर्स्ट आई शेडो पैलेट आप बोल सकते हो है ये मेबेलिन का न्यूड्स पैलेट। ये 900 रुपीज़ का है एंड 900 रुपीज़ में सीरियसली आपको इससे ज़्यादा अच्छे आई शेडो पैलेट्स मिल जाएंगे एंड ट्रस्ट में। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके सारे शेड्स जो है वो आप देख सकते हैं, ये सारे शेड्स। एक तो पहले बात तो इसमें फॉलोआउट बहुत ज़्यादा है, मुझे फॉलोआउट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरा जो मास्क है उसमें भी बहुत क्रेजी फॉलोआउट होता है एंड जैकलिन हिल वाले में भी कुछ कुछ शेड्स में थोड़ा सा फॉलोआउट है बट उतना नहीं है, बट ये इसमें फॉलोआउट बहुत क्रेजी है। दूसरा ये है इसके शेड्स जो है बहुत चौकी है, मतलब अजीब ही है। आपको दो शिमर दिखाती हूँ, दो मैट दिखाती हूँ, लाइक यू कैन सी कितने अजीब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पार्टिकल्स कितने अजीब है, मतलब बहुत मडी टाइप के हैं एंड बहुत चौकी है एंड बहुत पाउडरी है, ब्लेंड भी ठीक से नहीं होता। मैंने मेरा जो फर्स्ट वीडियो था आई थिंक हेयर स्पा वाला, उसमें मैंने इसी आई शेडो पैलेट से मेकअप किया एंड मेरे आईज इतने गंदे दिख रहे हैं ना उसमें, मैं क्या करूँगी, इसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस आई शेडो पैलेट से आपको कोई लुक नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता ये। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। तो मैं फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इनमें से हो सकता है कि कुछ ये चीज़ें मुझे सूट नहीं की, तो दैट डजेंट मीन वो आपको भी सूट नहीं करी, हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें फेवरेट हो एंड मुझे अच्छी नहीं लगी हो, क्योंकि हम सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। बट स्टिल मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आपको हो पसंद ही ना आए, मतलब आगे चल के, तो आई डोंट वॉन्ट कि आप अपने पैसे इस पर वेस्ट करो। आई होप इसलिए तो एक आपको हेल्प मिल जाए कि हाँ आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल के नेम के बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे हिट कर दे, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी हिट कर दे, ताकि आपको मेरे आए सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल मैं यहीं डाल दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ रेगुलर अपडेट देते रहती हूँ, लाइक डेली लाइफ अपडेट्स भी देते रहती हूँ या फिर उसमें हिंट भी दे देती हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। दूसरा मैं उसमें कुछ मेकअप का एक सीरीज करने वाली हूँ, मतलब थोड़ा मैं सोच रही हूँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल को थोड़ा अच्छा एंड अट्रैक्टिव बनाने का। That was the video guys, thank you so much for watching, till then, bye.